अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अल अजीम इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हमने बनानी है फॉर द ईयर एंडिंग जून 30 और ईयर हमारे पास मेंशन नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा वही ओल्ड मेथड है, साथ साथ हम क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे। कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अल रिकॉर्ड ऑफ अल अजीम इंडस्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जून 30 2000। ईयर मेंशन नहीं है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल से हमारा कोई लिंक नहीं है, फ़िलहाल छोड़ दें। ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की हुई है, लाइन लगी होने का मतलब है कि ये निल है, इसका ये मतलब नहीं है कि फाइंड करना है, ठीक है, निल है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस निल। ओपनिंग फिनिश गुड्स 32,400, तो फिनिश गुड्स ओपनिंग आ जाएंगी 32,400, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, क्वेश्चन मार्क हो तो कैलकुलेट करना होता है, लाइन हो तो इसका मतलब निल है। इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग भी फाइंड करना है और फिनिश गुड्स क्लोजिंग भी हमने मालूम करनी है, तो ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मटेरियल 90,000 यूज़ हुआ है, लेबर 72,000 और FOH है 54,000। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज के सामने हम लिख देंगे 90,000, लेबर है 72,000 और FOH है 54,000। तो ये हमारे पास डाटा था जो हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया है। कह रहा है प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज सबमिटेड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टीमेट फॉर द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मालूम नहीं है तो हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालना है, लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हम वर्किंग में सबसे पहले यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लेते हैं। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड का फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था। हम लिखेंगे जी वर्किंग, और उसमें पहली वर्किंग है यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। आपको बताया था सबसे पहले यूनिट्स सोल्ड, इसमें ऐड करते हैं फिनिश्ड फिनिश गुड्स यूनिट्स क्लोजिंग, तो ये आ जाएगा टोटल यूनिट्स अकाउंटेड फॉर लेस फिनिश गुड्स यूनिट्स ओपनिंग, तो ये आ जाएगा यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो सोल्ड यूनिट्स में क्लोजिंग फिनिश गुड ऐड कर देंगे, ओपनिंग फिनिश गुड यूनिट लेस कर देंगे, तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ जाएगा। अब सोल्ड यूनिट कितने हैं, 1,000, तो यूनिट सोल्ड के सामने आ जाएगा 1,000। फिनिश गुड्स ओपनिंग यूनिट्स हैं 280, तो ओपनिंग आ जाएगा 280, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स हैं हमारे पास 240, तो यहाँ आ जाएगा 240। अब आपने क्या करना है, यूनिट सोल्ड 1,000 में जमा कर देना है 240, तो ये आ जाएगा 1240। 1240 में से 280 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 960 यूनिट्स आ जाएंगे और हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी क्या हो जाएगी, क्लियर। तो यूनिट सोल्ड में फिनिश गुड्स क्लोजिंग ऐड कर देंगे तो टोटल यूनिट्स अकाउंटेड फॉर, फिनिश गुड यूनिट्स ओपनिंग लेस कर देंगे तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पहली रिक्वायरमेंट आ गई है 960 यूनिट्स।
दूसरा है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, पिछली वीडियोस में हमने चेक किया था कि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में तीन एलिमेंट होते हैं, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड FOH। तो कह रहा है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में मटेरियल की कॉस्ट है 8100, लेबर की कॉस्ट है 3600। FOH के बारे में कह रहा है दी कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट फैक्ट्री ओवरहेड टेंड्स टू फ्लक्चुएट क्लोजली इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड मूव करती है अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो पहले हमने लेबर और FOH की रेशो निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे करंट लेबर के साथ। तो हमारे पास FOH की वैल्यू कितनी है 54,000, तो यहाँ वर्किंग में लिख देंगे 54,000। किस से कंपेयर करवाना है, लेबर के साथ, लेबर है 72,000। तो इसका मतलब FOH टू लेबर का रेशो निकल आएगा, ठीक है। अगर FOH 72,000 हो, सॉरी 54,000 हो, तो लेबर कितनी होगी 72,000, या अगर लेबर 72,000 है तो FOH कितना होगा 54,000। हमें किस लेवल पर चाहिए, हम कहते हैं अगर लेबर 3600 हो तो फिर FOH कितना आएगा, तो FOH डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय वर्क इन प्रोसेस में जो डायरेक्ट लेबर की कीमत है, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय ये जो लेबर की वैल्यू फैक्ट्री ओवरहेड में है 54,000 डिवाइडेड बाय 72,000, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3600 से, तो ये आ जाएगा 2700। इन तीनों को ऐड अप कर देंगे 8100 प्लस 3600 प्लस 2700, तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग आ जाएगा 14,400 14,400। ये आपके सामने क्लोजिंग आ गया 14,400। फॉर्मेट में आप मेंशन कर दें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 14,400। अब ज़रा ऊपर से वैल्यूज़ निकालते हैं, मटेरियल 90,000, लेबर 72,000, FOH 54,000, ये आ जाएगा 2,16,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यही आ जाएगा, इसमें से लेस कर देंगे 14,400, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गया है 201,600। ये हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इसको मार्कर से मेंशन किया है। पहला नंबर ऑफ़ यूनिट्स, दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, इसका आंसर है 201,600। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 201,600। इसमें से अगर हम ऐड कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स तो ये आ जाएगा 234,000। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब चौथी रिक्वायरमेंट है हमारे पास पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट, तो यहाँ हम लिख देंगे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। तो इसका फार्मूला पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा आपको बता देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकला है 201
600 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आपके सामने लिखने हैं 960, तो 201600 डिवाइडेड बाय 960 तो ये आ जाएगा ₹210 पर यूनिट, ₹210 का एक यूनिट है, ये आपके सामने निकल आया है। उसके बाद पांचवा है फिनिश गुड्स, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसका फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। फिनिश गुड यूनिट्स क्लोजिंग, चूंकि क्लोजिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं तो क्लोजिंग फिनिश गुड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। अब क्लोजिंग फिनिश गुड यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, ये देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फिनिश गुड 240 और पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट कितनी है 210, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 210 ये आ जाएगा 50,400। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग में 50,400, तो 234,000 माइनस 50,400, तो हमारे पास जो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो आ जाएगा 183,600। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड की वैल्यू। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है वो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसकी जगह हम लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, हमने पूरा फॉर्मेट बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्तेमाल नहीं हुआ तो किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।